सर्वोच्च सदन ने भूमि सुधार कानून, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अनेक प्रगतिशील कानून इस सदन ने राजस्थान की जनता को दिए, और आज इस सर्वोच्च सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी द्वारा दी गई व्यवस्था के विरोध में ये काला अध्याय भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि जब प्रतिपक्ष का नेता अमर्यादित आचरण इस सदन के अंदर कर रहा है, पूरे राजस्थान की जनता YouTube चैनल के माध्यम से देख रही है कि जब आज राजस्थान के नौजवानों की पढ़ाई के लिए चर्चा करने का निर्णय सदन में हुआ है, तब एक देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के लोग किस तरीके का आचरण इस सदन में कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने कर्नाटक में विधायक खरीदे, इन्होंने गोवा में विधायक खरीदे, इन्होंने मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे, इन्होंने अरुणाचल में विधायक खरीदे, राजस्थान के अंदर इनको मुंह की कहानी पड़ी। ये जो इस सदन के अंदर ये शोर कर रहे हैं, यार ये मर्यादित आचरण कर रहे हैं, अपनी छाती कूट रहे हैं, ये अमित शाह के निर्देश पर कर रहे हैं। उस अमित शाह को अशोक गहलोत के सामने मुंह की कहानी पड़ी। और माननीय सभापति महोदय, वो भारत सरकार का मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाह रहा था, उस खरीद फरोख्त को बेनकाब किया गया और आज ये चारा कर रहे हैं, वो सारा उस असफलता का नतीजा है। इन्होंने इलेक्शन बॉन्ड लाए और देश के अंदर काले धन को अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठा करने का काम किया। विदेशों से जो चंदा आ रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें वो प्रावधान खत्म कर दिया कि उसको सोर्स बताने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह दिन प्रजातंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में ना लिखा जाएगा, और प्रतिपक्ष के नेता और इनके उपनेता का नाम काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि जब राजस्थान का यह सर्वोच्च सदन नौजवानों की पढ़ाई के बारे में बात करना चाह रहा था, कैसे नौजवानों की पढ़ाई हो, कैसे उनका भविष्य बने, तब ये अपने अनर्गल प्रताप को प्रदर्शित कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ये राजस्थान, ये हमारी यूनिवर्सिटी जिन्होंने वीवी जॉन जैसा वाइस चांसलर दिया, यूनिथान जैसा वाइस चांसलर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में कैसे कैसे शिक्षक और प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर नामवर सिंह, सचिन आनंद, हीरानंद, वासन अज्ञे, एक से एक नामवर लोग राजस्थान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में रहे हैं। आज क्या हालात बन रहे हैं, आज एक विश्वविद्यालय का कुलपति ACD के द्वारा ट्रैप किया जा रहा है, दूसरे में अनेक विश्वविद्यालयों के अंदर जांचें हो रही है। जो स्तर उच्च शिक्षा का राजस्थान में गिरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सदन को एकजुट होकर के हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो हमारी प्राथमिकता पर होनी चाहिए, पुस्तकालय, आज हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे कॉलेज में पुस्तकालय हमारी प्राथमिकता पर नहीं रहा। लाइब्रेरियन के पदों पर लंबे समय से हम भर्ती नहीं कर रहे हैं, और इस कारण से मैं तो आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ये जो
पुस्तकों की खरीद भी है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, जिससे हम बच्चों की जरूरत के पुस्तकों को खरीद सके और हमारे कॉलेज हमारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर बेहतरीन पुस्तकालयों को हम निर्माण कर सके। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, पीटीआई लंबे समय से उच्च शिक्षा विभाग में पीटीआई की भर्ती की और हमारा ध्यान नहीं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करना चाहूँगा कि खेलों से न केवल शरीर मजबूत होता है बल्कि हमारे बच्चे लीडरशिप सीखते हैं, एक दूसरे के अंदर विश्वास करना सीखते हैं, और जो खेलता है वो रोज हारता है वो रोज जीतता है। खेल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी से विनती करूंगा कि वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पीटीआई के ऊपर की भर्ती पर ध्यान दें, जिससे हमारे कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सके। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, मैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का आंकड़ा आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मानव संसाधन मंत्रालय ने जो 2018-19 में सर्वे किया, उसमें उच्च शिक्षा में देश का सकल नामांकन अनुपात GER 26.3 है और राजस्थान का 23 है। हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम इस पर ध्यान दें। हमारे मुल्क का जो GER है वो 26.3 है और चाइना का तुलना करिए, चाइना का 36 है, हम 26 पर अटके हुए हैं, राजस्थान 23 पर अटका हुआ है। इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में हमें आईना दिखाया है, उससे हमें अपने देश के अंदर सुधार करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि प्रति लाख जनसंख्या पर जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, उसमें 23 उच्च शिक्षण संस्थान बताए हैं, लेकिन हमारे सरकार के लगातार प्रयासों से इसमें सुधार हो रहा है और हम बढ़कर के प्रति लाख जनसंख्या 35 पर पहुंच गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जिन जिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जिस जिस उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज नहीं है उन सब पर भी कॉलेज खोले जाने चाहिए, और हमारे मंत्री जी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जितने भी उपखंड मुख्यालय ऐसे रह गए, एक एक उपखंड मुख्यालय पर अशोक गहलोत की सरकार कॉलेज खोलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अंदर 2011-12 की तुलना में अगर हम आज का आकलन करेंगे तो 2018-19 के अंदर 84.4% कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर विचार करें कि हमारे जिन जिन कॉलेज को रूसा का अनुदान नहीं मिल रहा है, उनको अनुदान कैसे मिल सके, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में वो सहयोग प्राप्त करके हम हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि जो नामांकन है विद्यार्थियों का वो सामान्य EWS वर्ग में जो
4.86% बढ़ा है। अनुसूचित जाति का नामांकन 14.36% बढ़ा है। अनुसूचित जनजाति का नामांकन 7.36% बढ़ा है। अन्य एवं विशेष पिछड़ा वर्ग का नामांकन 9.39% बढ़ा है। कुल नामांकन में राजस्थान के अंदर 5.26% की वृद्धि हुई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई मंत्री जी को देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक वर्ग का नामांकन भी छात्रों का 14.21% और छात्राओं का 8.4% नामांकन बढ़ा है, जो टोटलिटी में 11.3% नामांकन बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान के पिछले 15 साल के उच्च शिक्षा के नामांकन पर हम नजर डालें तो उत्तरोत्तर राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की तरफ अग्रसर है। हमारे प्रदेश में 2005-06 में 4.82% नामांकन बढ़ा, 2006-07 में 11.66% नामांकन बढ़ा, 2007-08 में 3.83% नामांकन बढ़ा, 2008-09 में 3.67% नामांकन बढ़ा, 2009-10 में 7.25% नामांकन बढ़ा, 2010-11 में 4.36% नामांकन बढ़ा, 2011-12 में 15.68% नामांकन बढ़ा जब अशोक गहलोत की सरकार थी, 2012-13 में 7.25% नामांकन बढ़ा, 2013-14 में 9% नामांकन बढ़ा, 2014-15 में 18% नामांकन बढ़ा, 2015-16 में 6% नामांकन बढ़ा, 2016-17 में 23% नामांकन बढ़ा, 2018-19 में 5.12% नामांकन बढ़ा, 2019-20 में 7.18% नामांकन बढ़ा, 2020-21 में 5.26% नामांकन पड़ा। और इस तरीके से राजस्थान लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में संकायवार नामांकन में भी शानदार प्रगति हुई है। और मंत्री जी, मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि ये सही है, हमारे संसाधन सीमित है, हम रातों रात बिल्डिंगों का निर्माण नहीं कर सकते, हम रातों रात लेक्चरर नहीं लगा सकते, तो हमारे बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की कैसे सुविधा मिले। उसके लिए जहाँ एक क्लास में पहले 60 बच्चे बैठते थे, उसको बढ़ा करके 80 किया गया पहले, और अब आपने मंत्री जी 25% सीटें बढ़ा करके आपने 100 किया कॉमर्स में और आर्ट्स में, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ने की सुविधा मिली। वो माँ बाप जो प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आपके उस निर्णय से राजस्थान के नौजवानों को लाभ हुआ। और साइंस में भी आपने 80 से बढ़ाकर 10% सीटें आपने बढ़ाई और 88 सीटें प्रति क्लास की। मैं इसके लिए राजस्थान के सारे नौजवानों की तरफ से मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूँगा कि हमारे राजस्थान में महिला शिक्षा 1997-98 में सिर्फ 60,000 लड़कियां माननीय सभापति महोदय हमारे कॉलेज में पढ़ती थी 1957-58 में, जो 2003-04 में 1,03,000 हुई, 2008-09 में बढ़कर 1,63,000 हुई, और अभी 2020-21 में लड़कियों की संख्या अध्यक्ष महोदय बढ़कर 6,46,000 हो गई है। ये साबित करता है कि हमारी सरकार
महिला शिक्षा के प्रति या खास तौर पे महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा, 1997-98 में गर्ल्स कॉलेज जो 100 थे, 2003-04 में बढ़कर के 183 हो गए, 2008-09 में बढ़कर 361 हो गए, और मैं बधाई दूंगा अशोक गहलोत साहब को कि 2020-21 में गर्ल्स कॉलेज की संख्या बढ़कर 530 हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस समय राजस्थान में 2 यूनिवर्सिटी और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए संचालित हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि स्नातकोत्तर कॉलेज में अगर लड़कियों की सीट वैकेंट रही तो स्नातकोत्तर कॉलेज में अगर सीटें खाली रही तो लड़कियों को एडमिशन देने के लिए मिनिमम परसेंटेज में 5% की छूट दी जाएगी। ये भी आपका लड़कियों के लिहाज से माननीय मंत्री जी एक बहुत अच्छा निर्णय है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति की वो लड़कियां जिनके माँ बाप इनकम टैक्स नहीं देते हैं उनको फ्री में बुक्स देने के लिए बुक बैंक स्कीम का एक्सपांशन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि 2005-06 में जहाँ 100 लड़कों की तुलना में 63 लड़कियाँ पढ़ रही थी, अभी 2021 में झंडे गाड़ दिए लड़कियों ने, 100 की तुलना में 105 लड़कियां हमारी हायर एजुकेशन के अंदर पढ़ रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अब निवेदन करना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक आदर्श स्थान रहे हैं और हमारे राजस्थान की यूनिवर्सिटी का वो समय भी रहा है जब दुनिया भर के छात्र यहाँ आकर के पढ़ते थे। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में विदेशों से कितने छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे, लेकिन आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि अब आगे अगर देखेंगे तो बहुत कम संख्या में आपको विदेशी छात्र मिलेंगे। मंत्री जी, हमें जिस तौर पर सबसे ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत है वो है शिक्षकों की व्यवस्था की। हम ये क्या अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं, ये मंत्री क्या कर रहे हैं, मजाक बना रखा है, हम अपना गला फाड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की 61 पोस्ट है, 58 वैकेंट है, एसोसिएट प्रोफेसर की 135 पोस्ट है, 113 वैकेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 753 पोस्ट है, 302 वैकेंट है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास नहीं लगती, बच्चे क्लास में नहीं जाते, पढ़ाई नहीं होती। हमें अपनी यूनिवर्सिटी को का ये माहौल एक इच्छा शक्ति के बल पर बदलना पड़ेगा, अन्यथा ना तो हमारे विश्वविद्यालय हमारे बच्चों के भविष्य का माध्यम बन सकेंगे, केंद्र बन सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी आपको निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की 45 पोस्ट वैकेंट है, आउट ऑफ 53 45 वैकेंट, रीडर की एसोसिएट प्रोफेसर की आउट ऑफ 193 वैकेंट, और लेक्चरर की आउट ऑफ 484 237 वैकेंट। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। आप कोई भी माध्यम बनाइए, चाहे इसके लिए आपको रियायतें देनी पड़े, आप रेगुलर प्रोसेस फॉलो करने से पहले गेस्ट फैकल्टी का अरेंजमेंट करिए और उन बच्चों के पढ़ने की आप व्यवस्था करिए। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय ये भी निवेदन करना चाहूंगा, ये कोटा यूनिवर्सिटी, कोटा
कोटा यूनिवर्सिटी में 6 प्रोफेसर है, 3 खाली पड़े, एसोसिएट प्रोफेसर के 15 पद है, 21 खाली पड़े हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 9। अरे तू है हत्यारा मानी सदेश, मैं आई विल मानी सदेश, मानी सदेश, मानी सदेश, मानी सदेश, मवाली कहीं के मानी सदेश ले लो, मानी सदेश ले लो, तुम मानी 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 ले लो, क्या मानी तुम ले लो, निजात मानी सदेश। क्या कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये क्या कर रहे हैं ये माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, ये कोई तरीका है इनका? माननीय मंत्री जी प्रस्ताव बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या तरीका है इनका? माननीय मंत्री जी आप प्रस्ताव रखे सुनने नहीं दे रहे हमको। माननीय मंत्री जी